हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है GSP टेक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोनी का जो होम थिएटर सिस्टम है 3.1 चैनल में, जो कि है HT Z9F। और ये जो है एक साउंड बार टाइप होम थिएटर है फ्रेंड्स। इसमें एक आपको साउंड बार मिल जाती है और एक बेस मिल जाता है, और आप चाहें तो जो है सिनेमेटिक जो इफ़ेक्ट है उसके लिए जो है आप इसमें जो है ऑप्शनल जो इसके सराउंड स्पीकर हैं वो भी आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं, जिसका कि मॉडल नंबर है SA Z9R, यानी कि वो रियर स्पीकर हैं दोनों ही। और फ्रेंड्स, ये जो है आपका 64,990 रुपीज़ की MRP में आता है, और ये ऑफलाइन आप जो है आपको इजीली 60,000 की रेंज में मिल जाता है फ्रेंड्स। और कई सारी खूबियों से लैस है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैक पैनल में जो है इसके बैक साइड में सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें कि लैन है, HDMI के दो सॉकेट दिए गए हैं, उसके अलावा ARC दी गई है, USB दी गई है, और ऑक्स और जो है ऑप्टिकल इनपुट भी इसमें आपको मिल जाता है। वाईफाई से लैस है फ्रेंड्स। ये सारी जो फीचर्स जो होने चाहिए एक होम थिएटर्स में आपके घर के लिए, तो ये प्रीमियम सेगमेंट का होम थिएटर है और काफ़ी जो है जानदार इसकी साउंड है। तो लगभग ये कह लीजिए 500 वॉट्स में RMS में इसकी साउंड आपको मिल जाती है, और जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें मिल जाएगी आपको, जैसे कि इसमें जो है डिजिटल साउंड इन्हेंसमेंट इंजन दिया गया है। इसके अलावा LDAC टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि सोनी की अपनी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और जिसकी मदद से जो है आपको जो है जो साउंड क्वालिटी है हाईरिस ऑडियो में भी आपको इसको सपोर्ट करता है, हाईरिस ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, और उसका भी आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है दोस्तों। और इसके अलावा जो है वर्टिकल सराउंड इंजन भी इसमें लगा हुआ है, जिसकी मदद से जो है आपको जो है 360 डिग्री साउंड जो है वो भी सुनने को मिल जाती है, और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है इसमें, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है इसमें, और साथ ही साथ म्यूज़िक सेंटर एप्लीकेशन का भी सपोर्ट है इसके अंदर, तो उसका भी आप जो है लाभ ले सकते हैं दोस्तों इस स्पीकर सिस्टम में। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसका लुक है, और काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। एक बार हम इसकी जो है ग्रिल उतार लेते हैं। ये ग्रिल जो आगे लगी हुई है, जो जाली लगी हुई है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप से जो है अटैच है इसके साथ। इसे आप डिटैच भी कर सकते हैं और क्लीन वगैरह करके दोबारा से लगा भी सकते हैं इसमें। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और ऐसी ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके के टेक रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ समय समय पर। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आपका बार दिया गया है, उसके साथ ही जो है ऊपर टच पैनल दिया गया है, जिसकी मदद से जो है आप ऑपरेट कर पाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी यह वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत शॉर्ट में बनाई है। यदि आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।